लेके रिपोर्ट। सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के दावे महज दावे ही हैं, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयान करती है, वो भी ऐसे जिले की जो आदिवासी बाहुल्य है, जहां के गरीब प्राइवेट अस्पताल में इलाज भी नहीं करवा सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले की, जहां महिला अस्पताल में बने SNCU में क्षमता से अधिक बीमार बच्चों का इलाज करने को मजबूर है। इस SNCU को 20 बेडेड की स्वीकृति 2012 में मिली थी, जो आज 7 साल बाद भी 20 बेड का ही है। समय के हिसाब से नेताओं और अधिकारियों के वेतन भत्ते तो बढ़ गए, लेकिन शायद SNCU की आवश्यकता नहीं बढ़ी। यहाँ की व्यवस्था आज भी 7 साल पुरानी ही है। बड़े हैं तो सिर्फ नवजात मरीजों की संख्या, जिसे जानकर आपको भी आश्चर्य होगा कि 20 बेड पर 74 बच्चों को भर्ती कर इलाज करना पड़ रहा है। वैसे यहाँ पर डॉक्टरों और उनके स्टाफ का काम सराहनीय है कि इतने सीमित संसाधनों में भी इलाज कर रहे हैं। SNCU के डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि बेड की संख्या और स्टाफ की कमी है, जिसको बढ़ाना चाहिए। हालांकि भोपाल बैठे अधिकारी भी इस बात से वाकिफ है, क्योंकि यहां भर्ती होने वाले बच्चों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, जिसे भोपाल में बैठे अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन जवाबदार मौन है। इंदौर कमिश्नर आकाश त्रिपाठी से SNCU का सवाल पूछा तो वो खुद भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर 20 बेड पर 74 बच्चों का इलाज कैसे किया जा रहा है। लेकिन आखिर में उन्होंने भी इस बात को मानते हुए कहा, क्षमता से अधिक बच्चे भर्ती हो रहे हैं तो क्षमता जल्द बढ़ाई जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। SNCU में अभी वर्तमान में 46 बच्चे एडमिटेड हैं अंदर यूनिट के अंदर, और 6 बच्चे करीब मदर साइड शिफ्टेड हैं मदर वार्ड में। सर अभी संख्या कहाँ तक पहुँच गई थी बच्चे? संख्या बीच में हमारे पास करीब 74 के आसपास पहुँच गए थे। हमने कितने बेड का है? 20 बेडेड, जिसमें 10 बेडेड आउटबोर्न, 10 बेडेड इनबोर्न यूनिट। कैसे मैनेज? मैनेज हम लोग ऐसे करते हैं कि जो फोटोथेरेपी यूनिट्स हैं वो हम लोगों के पास 6 हैं, प्लस अभी 11 वार्मर आउटबोर्न में है और 13 वार्मर इनबोर्न यूनिट में है, और इसके अलावा जो बंद वार्मर पे उन लोगों को भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हाइपरथर्मिया के बच्चे हैं तो हम लोग उस वार्मर पे रख देते हैं, मतलब उसको वार्म करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को सिर्फ ट्रॉली पे रखना है। एक बेड पे दो, हाँ दो बच्चे मैनेज करते हैं। कई बार फोटोथेरेपी पे 3-3 बच्चे भी रखते हैं हम लोग। प्रयास किया है, मतलब इसके लिए हर अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म किया, और ये जो आंकड़े हैं यहाँ एडमिशन के ऑनलाइन आंकड़े होते हैं, इसके एडमिशन जो होते हैं उसकी SNCU की साइट पर एंट्री होती है, बाकायदा उसका एडमिशन के आंकड़े पूरे भोपाल स्टेट तक भी जाते हैं, यहाँ तक कि सिविल सर्जन मैडम ने अपने स्तर से प्रयास किया। लेकिन अभी तक तो क्या है, उनकी स्टेट की जो पॉलिसी है, डिस्ट्रिक्ट में 20 बेडेड ही SNCU रिकमेंडेड है। कौन कौन से जिले के बच्चे? अपने पास में सबसे ज़्यादा धार जिले का लोड ज़्यादा है, बड़वानी प्लस धार में मनावर तहसील, गंदवानी, उमरबन ब्लॉक हो गया आपका, इधर कुक्षी, अलीराजपुर में नानपुर तक के बेबी आ जाते हैं, जोबट तक के आ जाते हैं। जो डिलीवरी कुक्षी में होती है वो लगभग 90% बच्चे यहीं रेफर होते हैं। स्टाफ की भी कमी है? हाँ, स्टाफ भी नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ भी 20 बेडेड के हिसाब से ही दी है, जनरली बच्चे ज़्यादा हैं तो स्टाफ भी ज़्यादा चाहिए। सर क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि 40 बेडेड होना चाहिए SNCU बड़वानी में लोड को देखते हुए, या फिर वर्तमान में मनावर में एक SNCU बनना चाहिए, और कुक्सी में जो SBNU है वो उसको प्रॉपर में वर्कआउट कराना चाहिए, वहाँ पे भी पीडियाट्रिशियन है लेकिन उनका रेफरल रेट बहुत ज़्यादा है। सर 28 दिन तक के बच्चों की व्यवस्था तो आप जो बता रहे हैं? हाँ, 0 से 28 दिन का SNCU रिकमेंडेड होता है, उसके बाद 1 महीने से लेके 5 वर्ष तक के लिए PICU की ज़रूरत होती है। जैसे अभी हमारे पास 1.5 महीने का बच्चा भी आता है, अब वो लो बर्थ वेट बेबी है, 1.5 महीने का है, री एडमिशन है, तो सीवियर डिस्ट्रेस में आया है, सीवियर डिहाइड्रेशन में आया, तो स्वाभाविक है कि उसको हमें रख के मैनेज तो करना ही पड़ेगा। मैनेज करने के बाद में या तो हम उसको रेफर करेंगे, या स्टेबल हुआ तो हम पीडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट करेंगे चिल्ड्रन वार्ड में। PICU के लिए स्टेट से पॉलिसी तो है, अभी शायद उसके लिए बड़वानी रिकमेंडेड हुआ है, बड़वानी के लिए PICU। अस्पताल में जो SNCU बना हुआ है जी, उसमें 74 बच्चे तक हो जाते हैं, जबकि वो 20 बेड का है, तो उसको दुरुस्त कराने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, SNCU में 74 बच्चे, अगर 20 का है कैपेसिटी, आ ही नहीं सकते 74 बच्चे, संभव ही नहीं। तो देखिए, अब उसकी फिर ये है कि आवश्यकता है कि उसकी क्षमता बढ़ाई जाए उसमें, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे, और मुझे लगता है NHM में हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर पाएंगे, अगर ये उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से अगर ये स्थिति है तो क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता।